टमाटर की कीमतें पिछले एक साल में ज्यादातर राज्यों में 50% बढ़ी हैं। एक सर्वे में कहा गया है कि पिछले दो महीनों में टमाटर के दाम में 25% का इजाफा हुआ है। स्टडी में सामने आया है कि जिन लोगों ने संगठित रिटेल और ई कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए टमाटर खरीदे हैं, उन्होंने स्थानीय बाजारों से खरीद गए टमाटरों के मुकाबले लगभग 10-20% ज्यादा कीमत चुकाई है। सर्वे का मकसद ये पता लगाना था कि ज्यादातर परिवारों ने 2020 की तुलना में इस साल टमाटर खरीदने के लिए कितनी औसत राशि दी है। सर्वे में 19,000 से ज्यादा लोगों के जवाब मिले, जिसमें से 41% जवाब टीयर 1 शहरों से थे। इसके अलावा टीयर 2 शहरों से 33% और टीयर 3 शहरों और ग्रामीण जिलों से 26% जवाब मिले हैं। औसतन 10,025 लोगों में से 44% ने कहा है कि उन्होंने टमाटर खरीदने के लिए लगभग 60 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा कीमत चुकाई है। करीब 31% परिवारों ने कहा है कि वे टमाटर खरीदने के लिए 50-59 रुपये दे रहे हैं और 23% लोगों ने बताया है कि टमाटर के लिए वे 60-69 रुपये का भुगतान कर रहे हैं और 21% लोगों का ये कहना था कि वह 70 रुपये या उससे ज़्यादा राशि दे रहे हैं। सर्वे में केवल 8% लोगों ने कहा कि टमाटर खरीदने के लिए वे 30-49 रुपये दे रहे हैं। सर्वे में पाया गया है कि अधिकतर लोगों ने भारत में टमाटर खरीदने के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत चुकाई है, जो दो महीनों में 25% से बढ़कर अब 75 रुपये किलो हो गई है। बड़े और टीयर 1 शहरों में ज़्यादातर लोगों द्वारा भुगतान की गई कीमत 100 रुपये प्रति किलो थी, जबकि टीयर 2 और 3 शहरों में ये औसतन 70 रुपये किलो रही। वहीं छोटे शहरों और ग्रामीण जगहों में परिवारों ने 50-60 रुपये किलोग्राम का भुगतान किया। औसतन 9,543 लोगों में से 34% ने संगठित रिटेल और ई कॉमर्स चैनलों के जरिए टमाटर खरीदे हैं, जबकि 66% लोगों ने स्थानीय दुकानों से टमाटर खरीदे हैं। रिपोर्ट में सरकारी डेटा का हवाला देते हुए कहा गया है कि रिटेल बाजारों में इन पेरिशेबल यानी कि जल्दी खराब होने वाली सब्जियों की कीमतें अलग अलग राज्यों में अलग दरों पर बढ़ी है, जिसके पीछे कई कारण मौजूद हैं। सप्लाई में रुकावटें, ट्रेड रेगुलेशन में परेशानी और नवंबर की शुरुआत में बहुत से राज्यों में डीजल की कीमतें 100 रुपये के पार चला जाना इनमें शामिल है। बता दें कि देश भर में टमाटर की बढ़ती कीमतों की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।